इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी यहाँ पर अजमेर से सामने, जहाँ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। अजमेर में गर्मी से परेशान हो चुके हैं लोग। आज का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। जूस की दुकान पर लोगों की भीड़ लगनी चालू हो गई है। गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। अजमेर में गर्मी ने लोगों के पसीने छुटवा दिए हैं और अजमेर में गर्मी से अब लोग परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। जूस की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, अप्रैल शुरू ही हुआ है, ऐसे में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया है अजमेर में। गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है और जूस की शॉप पर, जूस की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं अजमेर से, जहां गर्मी से लोग परेशान हो चुके हैं और आज का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। जावेद, देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर, अप्रैल शुरू ही हुआ है और ऐसे में अजमेर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया है। क्या हाल है वहां पर लोगों का? देता हूं कि अजमेर शहर का जो आज का तापमान है, मौसम विभाग की माने तो आज का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं कल जो तापमान था वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अभी तो दोपहर की एक ही बजे है। अभी 2-3 बजे तक तो तापमान और बढ़ने की संभावना है और अभी एक बजे भी इस वक्त इतना बुरा हाल है लोगों का कि लोगों ने जो घरों से निकलना बंद कर दिया। आवश्यक तौर से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ठंडे पेयजल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अरुषि, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त हम अभी अजमेर शहर के एक केसरगंज क्षेत्र में है, जहाँ पर एक गन्ने के जूस की दुकान है, जहाँ पर काफ़ी लोगों का हुजूम या लगा हुआ है और पूरी तरीके से पेयजल का वो उपयोग कर रहे हैं। और पूरी तरीके से एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर ठंडा पेयजल पी के, गन्ने का जूस पी के जो है अपनी गर्मी से राहत पाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। जी आरुषि जी, बिल्कुल जावेद, देखिए अभी अप्रैल का माह शुरू ही हुआ है, ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर तापमान मौसम विभाग ने बताया, आगे आने वाले महीनों में क्या हाल होगा उसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ यहाँ पर लोग कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारियाँ यहाँ पर प्रशासन कर रहा है, क्योंकि वन्य जीव का भी यहाँ पर ख्याल रखना देखिए ज़रूरी है। देखिए आरुषि, वन्य जीव की जहाँ तक बात की जाए तो वन विभाग पूरी तरीके से अपने फील्ड के अंदर मुस्तैद है और पूरी तरीके से जो है उन्होंने पानी का इंतजाम जंगल में किया हुआ है, लेकिन इसी के चलते जो वन विभाग की माने तो वन विभाग ने पूरी तरह से आम जनता को जो है सचेत किया है, जिले भर की जनता को सचेत किया है कि आने वाले 4-5 दिनों में लू के थपेड़े आरंभ होने वाले हैं और गर्मी बहुत अधिक बढ़ने वाली है। क्योंकि कल का जो तापमान माना गया है, कल का जो तापमान था वो जो डिग्री नोट की गई थी वो 40 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान था वो कल का तापमान था। इसी के चलते आज भी तापमान बढ़ेगा और 40 तक पहुंचेगा। अभी तो दोपहर का एक ही बजा है आरुषि, मैं आपको बता देता हूं कि 2-3 बजे तक तापमान और बढ़ने की संभावना है और इसी के चलते पूरे शहर भर में जहां जहां गन्ने की और जूस की दुकान है या छाछ की दुकान है, ठंडे पेयजल की दुकान है, प्याव जहां लगी हुई है, लोगों का खासा वहां पे भीड़ लगी हुई, खासा वहां तांता लगा हुआ है। इस वक्त भी हमारे साथ यहां पे बहुत से लोग मौजूद है जिनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे कि वो किस तरीके से यहां पर पेयजल का जो है उपयोग करने के लिए आए हैं और गन्ने के जो दुकान वाले उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। भाई, इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जिस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्या यहाँ पे गन्ने का लिए लोगों की भीड़ लग रही है? ग्राहक आ रहे हैं, गन्ने का जूस चल रहा है। 2 साल बाद कोरोना हटाए, जो अब 2 साल बाद दुकान खोली है, अब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बार। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि 2 साल से गन्ने की दुकान ही सब लोग बंद थे, बिल्कुल पूरा गन्ने का जो माहौल था, जूस का माहौल था, कुछ भी नहीं चल रहा था। 2 साल बाद दुकान खुली है, ग्राहक का इनका पास रेस्पॉन्स मिल रहा है और जाहिर सी बात है कि गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। गर्मी के चलते जो है लोगों का भी रुझान इस तरफ ज्यादा है कि ठंडा पेयजल और जूस के ऊपर ही रुझान लोगों का ज्यादा है। जी आरुषि, बिल्कुल जावेद बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर, कोटा में गर्मी का क्या हाल है? क्योंकि देखिए अजमेर की हमने बात की, यहाँ पे 37 डिग्री तापमान पहुंच चुका है, कोटा में लोगों का क्या रिस्पॉन्स, कितना तापमान वहां पर? आयुष, कोटा एक पथरीला इलाका है, क्योंकि यहाँ पर अगर मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी काफ़ी कम देखने को मिलती है, ज़्यादातर यहाँ पर सैंडस्टोन
और कोटा स्टोन की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो देखने को मिलती है और खाने देखने को मिलती है। पथरीला इलाका होने के कारण राजस्थान में कोटा जिला जल्दी तपता है और इसमें इसको ठंडक होने में भी काफ़ी समय लगता है। अगर बात की जाए अभी के तापमान की तो अभी का तापमान यहाँ पर 38 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका है। एक बजने का समय है मगर हम एक जहाँ पर खड़े हुए हैं देखिए यहाँ पर ये जो मिट्टी के बर्तन हैं और मटकियाँ हैं उनका जो चलन है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग लगातार मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको खरीदने के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग वेराइटी के जो मिट्टी के बर्तन हैं जिनमें पानी ठंडा रहता है उनके लिए लोग यहाँ पर जुटने भी लगे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है आयुषी के जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उस तरह से ही लोग जो पेय पदार्थ की जो दुकानें हैं उन तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे व्यक्ति जो रोडों पर जो आवाजाही है वो भी अब आयुष्य धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ मुख्य बाजार है, दादाबाड़ी का स्थिति है क्षेत्र है जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रोडें सुनसान होती हुई जा रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों की जो आवाजाही है वो भी कम होती जाती है। और आयुष्य सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो गर्मी का सितम है वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि मार्च के महीने में से ही देखने को मिला था कि किस तरह से यहाँ पर गर्मी का जो पारा है वो हाई होता जा रहा है। कूलर और पंखे जो है वो अब जवाब दे सकते हैं क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। जी आयुषी जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पंखे और कूलर ही नहीं लोगों के घरों में एसी भी चालू हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं तापमान की तो कोटा में अधिकतम तापमान अब तक क्या गया और क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जिस तरह से अभी मौसम सभी पर हावी पड़ रहा है आने वाले समय में कितना तापमान छुआ जा सकता है? आयुषी अगर मौसम विभाग के अनुमान की बात की जाए तो इस बार 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान यहाँ कोटा में दर्ज होने की संभावना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पथरीला इलाका है। पथरीला इलाका जब गर्म होता है तो उसको ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अगर रोडों पे भी देखेंगे तो सूर्य की तरफ देख नहीं पाएंगे, चिलचिलाती धूप है। अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जब 50 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सड़कों पर जो लगा हुआ डामरीकरण है वो डामरीकरण भी उखड़ने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों को गर्मी से भारी समस्या का सामना करने के लिए इस बार राजस्थान की जनसंख्या मजबूर होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आयुषी पेय पदार्थों का सहारा यहाँ पर लोग जरूर ले रहे हैं मगर यहाँ पर गर्मी का जो सितम है वो लगातार जारी है। देखिए किस दौर में यहाँ पर मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको खरीदने के लिए लोगों की भीड़ है और इस बार इनसे बात भी करना चाहेंगे इस बार किस तरह की गर्मी देखने को मिल रही है, पहले से ज़्यादा है या कम है? गर्मी तो इस बार बहुत जल्दी शुरू हो गई, मार्च में ही शुरू हो गई, अब तो हर साल की तरह आती है तो आएगी सही ना गर्मी। तो इस बार लगता है कि टेम्परेचर और बढ़ने की संभावना है? ये तो उसके ऊपर वाले के ऊपर है, आ जाए जो जिस तरह से गर्मी के प्रकोप की अगर बात की जाए तो गर्मी के प्रकोप को कहीं ना कहीं सूर्य देव का प्रकोप कहा जाता है और ये सूर्य देव की मेहरबानी होगी कि इस बार पारा कितनी डिग्री तक पहुँचेगा। जी आयुषी जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ऐसे में अगर हम वन्य जीवों की बात कर ले तो जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है क्या कुछ तैयारियां कोटा में प्रशासन ने की है? अगर बात की जाए बायोलॉजिकल पार्क की तो बायोलॉजिकल पार्क में जो जंतु है और जो जानवर है उनके लिए अतिरिक्त टैंकर लगाए गए हैं और उन टैंकरों से जाके वहाँ के जो जलाशय हैं उनमें पानी भरा जा रहा है। साथ में अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बोरिंग से पानी निकाला जाता है, जिसमें आंवली रोजड़ी क्षेत्र एक नया क्षेत्र है जहाँ पर लगभग कम से भी कम 20,000 से ज़्यादा परिवार निवास करते हैं। वहाँ पर जो ट्यूबवेल हैं उनमें पानी सूख गया है, अब वहाँ पर सरकारी टैंकर और प्राइवेट टैंकरों के जरिए ही पानी पहुँचाया जा रहा है मगर वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे में जानवरों की बात की जाए तो जानवरों के लिए जो जलाशय भरे जा रहे हैं वह भी कम है, मगर लगातार जिस तरह से यहाँ पर जो बायोलॉजिकल पार्क है उसमें कूलर और पंखों की भी व्यवस्था की जा रही है जिससे जंतुआलय में जो जानवर है वो सुरक्षित रहे और गर्मी के प्रकोप से बच सके। जी आयुषी जी राजेंद्र बने रहिएगा आप हमारे साथ। जावेद मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम अजमेर की बात करते हैं तो जो चिकित्सा व्यवस्था है वहाँ पर कितना ध्यान प्रशासन ने वहाँ पर दिया है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है लू भी पड़ेगी और ऐसे में लोग बीमार भी होंगे। जी
देखिए आरुषि, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी चिकित्सा प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम मुहैया कर रखे हैं, लेकिन बावजूद इसके चिकित्सालयों में खासी बीमारियों को लेकर के भीड़ ज्यादा, ओपीडी ज्यादा हो रही है और उसी के चलते मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि गर्मी अधिक हो रही है और गर्मी अधिक होने की वजह से लू के थपेड़े भी पड़ रहे हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं, लोगों को जो बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, लोग बाग जो है अस्पतालों के रुख भी कर रहे हैं, लेकिन उसी के चलते लोग जो है जो ज्यादा गर्मी के चलते लोग अचानक से ठंडा पानी पी लेते हैं या ऐसी कूलर में चले जाते हैं, उसको लेकर के लोग जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं और उसको उसी को लेकर के चिकित्सालयों में भी खासी मरीजों की भीड़ भी अधिक होने की संभावना बढ़ रही है, उसको लेकर के चिकित्सा प्रशासन ने भी पूरी तरीके से अपने इंतजाम कर रखे। जी आरुषि जी बिल्कुल, जावेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। राजेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ।